की रिपोर्ट जब हम लिखे हैं तो उसमें कौन कौन से हिस्से होने चाहिए लाजमी और फिर एक रिपोर्ट बनेगी तो डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं ये हम एक उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो एक फॉर्मल रिपोर्ट किसी अदारे के लिए लिखी जाए उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है तो उसमें आप देख सकते हैं देज़ अ लॉन्ग लिस्ट जो उसमें चीज़ें हैं टाइटल पेज होना चाहिए टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स टेबल ऑफ़ इलिस्ट्रेशन यानी उसमें फ़िगर्स ग्राफ्स डाइग्राम्स वग़ैरह जो हैं उसका एक टेबल होना चाहिए Uh, उसके अलावा एक्जेक्टिव समरी शुरू में होती है जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा पढ़ने वाले को कि आगे क्या आने वाला है इंट्रोडक्शन मेन बॉडी लेसन्स लर्न रिकमेंडेशन कंक्लूजन रेफरेंसेस और अपेन्डिस तो इनकी डिटेल्स देखते हैं इन सारे हिस्सों की टाइटल पेज के ऊपर रिपोर्ट का टाइटल आएगा यानी कि जैसे अगर आपने लिखना है एनुअल रिपोर्ट यूनिसेफ 2018 थाउजेंड एटीन फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का नाम और सबमिशन की डेट सो दैट इज़ वॉट दैट विल बी टेबल्स में आएंगे कि आपने कौन से एलिस्ट्रेशन uh, यूज़ की हैं ताकि अगर हो सकता है किसी को पूरा टेक्स्ट पढ़ने में इंटरेस्ट इंटरेस्ट ना हो और वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हो कि इसमें टेबल्स या ग्राफ्स कौन से हैं और उससे ही वो उनको इन्फॉर्मेशन का स्टेटिस्टिकल uh, आइडिया लगाना हो या शॉर्ट में देखना हो तो उसके लिए वो कॉन्टेंट्स के साथ ये अलग से ये बताई जाती हैं और जब आप एडिट करें तो मेक श्योर sure करें कि जो टेबल ऑफ़ कंटेंट है उसको भी एडिट कर लें कई दफ़ा ये होता है कि एंड पे रिपोर्ट जब एडिट होती है पहला ड्राफ्ट सर्कुलेट होने के बाद पेज नंबर्स थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन वो टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट में होने से रह जाते हैं आ, उसके अलावा एग्जैक्टिव समरी अक्सर लोग समरी पढ़ के डिसाइड करेंगे कि आगे उन्होंने पढ़नी है पूरी रिपोर्ट के नहीं तो समरी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए उसमें मेन मेन चीज़ें सारी टच uh, होनी चाहिए देर शुड बी एन ओवरव्यू ऑफ़ द सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस uh, या फाइंडिंग्स या रिसर्च अगर है उसमें तो वो आपको बताना चाहिए कि वो कैसे किया प्रॉब्लम क्या था जिसको के हल करने की कोशिश की गई जिसके ऊपर कि ये रिपोर्ट बनी है और रिकमेंडेशनज आइंदा के लिए क्या है सो so, ये की जो उसकी एग्जेक्टिव समरी है उसमें ये सारी चीज़ें ब्रीफली मैंशन uh, होनी चाहिए फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें कि ज़रा सी थोड़ी तफसील से ऑर्गेनाइजेशन uh, का तारुफ होगा और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया जाएगा आंसरिंग द हु वॉट वेयर वाई वेन क्वेश्चन कि ये कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ जिस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है वो इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा और बैकग्राउंड ऑफ़ द प्रोजेक्ट या जो भी रिसर्च है या जो भी एक्टिविटी है उसका थोड़ा सा बताया जाएगा साथ ही एक अलग से सब हेडिंग होगी ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि इस सारी एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फिर आएगा जो मेन नैरेटिव है उसका रिपोर्ट का उसमें होगा डिस्कशन होगा क्या क्या हुआ मेथड सैंपल सेलेक्शन अगर वो रिसर्च रिपोर्ट है अगर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई उनके क्या रिजल्ट आए या क्या रिस्पॉन्स था या क्या फीडबैक था वो सारा इस हिस्से में आएगा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए फॉन्ट साइज़ कंसिस्टेंट होना चाहिए जो नंबरिंग आप कर रहे हैं वन और उसके नीचे वन पॉइंट वन है या जिस तरह भी आप करें या ए बी सी में अगर कर रहे हैं सो इट शुड भी कंसिस्टेंट कहीं पर कैसे और कहीं पर कैसे नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट हेल्प्स पीपल नेविगेट द वर्क दैट यूर डूइंग और उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो जो हेडिंग्स के जो अल्फाज आप यूज़ करें उसमें इंफॉर्मेशन मिले लोगों को क्लियरली मिले और सो दैट दैट एड्स टू द वैल्यू इट्स नॉट जस्ट अ हेडिंग दैट्स देयर फॉर द सेक ऑफ़ इट स्ट्रक्चर उसका क्लियर होना चाहिए बुलेट्स यूज़ करें जिस वक्त रिक्वायर्ड हो छोटे पैराग्राफ्स बनाएं सब हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि लोग अक्सर रिपोर्ट इज़ नॉट समथिंग दैट एनी वन रीड्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तो अक्सर लोग उसको स्किम करके या नज़र डाल के देखते हैं कि उनकी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे या जो एग्जैक्ट उनको चीज़ चाहिए वो कहाँ है सो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर हेल्पफुल दैट वे तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है रिकमेंडेशंस अक्सर लोग जो हैं ये उसका एक किस्म का आउटपुट होता है रिपोर्ट का और एक्टिविटी का कि आइंदा अब क्या होना है तो अक्सर लोग इस हिस्से को भी स्किप करके देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि इसमें से रिकमेंडेशंस क्या निकली हैं आइंदा क्या होने की तजवीज़ की जा रही है तो ये दिस शुड भी इम्पोर्टेंट और ये स्पेसिफिक होनी चाहिए ये इट शुड नॉट बी गोल मोल सिर्फ कोई जगह पुर करने के लिए वो हो दे शुड बी स्पेसिफ़िक कि क्या होना चाहिए किसको करना चाहिए एंड सम इन्फॉर्मेशन ऑन कि वो कैसे करना चाहिए और लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए ऐसे नहीं हो कि आपने बहुत ही कोई ऐसी बात कर दी कि वो होने वाली ही ना हो आपने कह दिया कि पाँच साल में जो है uh, सब कॉलेज एजुकेटेड हो जाए पाकिस्तानी फॉर एग्जाम्पल सो समथिंग दैट्स अचीवेबल ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है या डेवलपमेंट सेक्टर की कोई गोल्स हैं वॉट एवर इट इज़ इट हैज़ टू बी अचीवेबल और ये कि रेकमेंडेशंस कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए हो सकता है आपका उस रिपोर्ट में से कोई फेवरेट uh, पार्ट हो या कोई फेवरेट एरिया हो जिसके लिए आपकी कोई रिकमेंडेशन हो और कोई ऐसा एरिया हो जो आपका बहुत फेवरेट ना हो लेकिन ज़रूरी है कि आप उसको रेकमेंडेशन को कॉम्प्रेंसिव रखें जो रिपोर्टेड एक्टिविटी ने जो जो एरियाज़ कवर किए हैं उन सब के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रिकमेंडेशन उसके अंदर होनी चाहिए तो दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू अ डिफरेंट वराइटी ऑफ ऑडियंस एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए उसको इट शुड बी डन नहीं लिखें ये लिखें कि सच एंड सच अ डिपार्टमेंट शुड डू इट ताकि क्लियर हो कि किसने करना है और क्या करना है ये एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू विलेजेस इन बलूचिस्तान तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू राइट अ बेटर वे टू राइट इट मिनिस्ट्री ऑफ आई टी शुड फेसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू विलेजेज इन बलोचिस्तान तो इसमें हमने मिनिस्ट्री का भी रोल बताया गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का भी दोनों का रोल बताया लेकिन वी हैव नेम्ड द टू सेक्टर्स और द टू ऑर्गनाइजेशन दैट द बेटर वे टू डू इट कंक्लूजन या समिंग अप जो है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी रिपोर्ट में नहीं आई उसमें एक अगेन इट सब्जिक ऑफ अ समरी और उसमें जो सिग्निफिकेंस है सारी एक्टिविटी की उसको दोबारा से बताया जाता है रीडर को बताया जाता है कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और इसमें कोई लाइक आई साइड कोई नई बात नहीं बताई जाती सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स अब ये रिपोर्ट ख़त्म हो गई है उसके बाद एंड पे उसके दो हिस्से और लगते हैं यानी कि अपनडिस यानी कि उसके लिए जो अगर कोई मीटिंग्स हुई हैं उस दौरान उसके मिनट्स या कोई जो अगर इंटरव्यूज़ हुए हैं या सर्वे लिए गए हैं तो वो सर्वे फॉर्म्स या रिसर्च टूल्स जो हैं वो लगते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल्स और ग्राफ्स स्पीस में लग सकते हैं अगर बीच में आपने नहीं डाले और इन ये जो सारी चीज़ें इधर आ रही हैं इनका हवाला जो है मेन रिपोर्ट में होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन के लिए आप अपेंडिक्स वन को देखें इसके लिए आप टू को देखें तो वो दैट शुड बी इट शुड बी कनेक्टेड टू द रिपोर्ट बट इट्स सॉर्ट ऑफ एन एड ऑन एट द एंड एन जो होते हैं so this is all about the parts of a report